नहीं तो आसाम की झील। और इसमें ये यहाँ पे बैठे हैं हिरन और उनके बच्चे, और दिखा देते हैं हम आपको कैसी है यहाँ की झील। आपको ये है झील और इसमें बैठे हैं बतख, छोटे छोटे बतख भी हैं और इसमें जलमुर्गाई वगैरह भी हैं, बहुत सारे पक्षी बैठे रहते हैं इस पे। वो सामने वहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल वहाँ सामने वो बतख बैठे हैं वहाँ उस पेड़ के पास। और ये है अपना तोसाम का झील। हम आपको स्पेशल यही दिखाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे कि हम अच्छे व्यू की भी जानकारी आपको दे सकें कि कहाँ पे क्या है। और ये है अपना तोसाम का झील। और इसमें यहाँ ये डस्टबिन है, डस्टबिन 15 का बना रखा है इन्होंने। और इसमें डालो कचरा वगैरह अगर डालना है तो। पौधे वगैरह लगे हैं, अच्छे अच्छे पार्क बनाए हैं, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे। और यहाँ लड़के हैं घूमने आए हैं और बना रहे हैं वीडियो वगैरह, फोटोज वगैरह। और हम आपको दिखा रहे हैं, ये है सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र राजीव गांधी जी की प्रतिमा। और साथ में हम आपको घुमाएंगे पूरा, इसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है ना। सुबह का व्यू भी है और अच्छा अच्छा मौसम भी है। आज तो धूप निकली हुई है वरना सर्दी निकल रहती है। और हम आपको पूरी झील दिखाएंगे घुमा घुमा के चारों तरफ से, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं है उससे। फिर आपको यहाँ पे मंकी भी हैं बहुत सारे, लड़के वीडियो बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं लड़के वगैरह, दिख रहे हैं आपको। अच्छा, और ये है मंकी। मंकी कहाँ जा रहा है? ये है रियल मंकी। मंकी गया उधर बाहर की साइड। और एक मंकी यहाँ बैठा रखा है, चिंपेंजी, जो हमें सिखा रहा है कि ये ज्ञान की बातें वगैरह वगैरह और सब कुछ। ये मैं एक मंकी है जिसका डस्टबिन बना रखा है। और ये देखो पौधों की कटिंग करके पता नहीं क्या क्या बना रखा है यहाँ पे। ये घोड़ा बनाया था शायद, घोड़ा गिर गया नीचे। और ये देखो इधर ये क्या बना रखा है, हिरन बना रखा है पौधे का। और झूले वगैरह लगे हैं, जो हाथी का झूला है, बहुत अच्छा व्यू है ना। और वो जिराफ बना रखा है पौधे का। यहाँ बैठे रहते हैं सब लड़के वगैरह, घूमने आते हैं। झूले वगैरह लगे हैं बच्चों के लिए, बच्चों का झूलने का भी सही है। और ये बच्चे देखो मंकी के छोटे छोटे बच्चे हैं, और मंकी भी है यहाँ पे। और ये पता नहीं क्या खा रहे हैं इसमें से चुन चुन के। और हम आपको अब बखत बतख दिखाएंगे, कितनी अच्छी अच्छी बतख हैं। देखो देखो बतख है ना, बतख आई है यहाँ पे, बतख हैं। हम आपको खरगोश दिखाएंगे, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। और ये बच्चों के लिए झूले लगे हैं, झूले झूल सकते हैं हम कसरत वगैरह करने के लिए। और वैसे हाँ ये है बतख, अच्छी लगी ना बतख। आओ आओ आओ, देखो ये क्या खा रही है, खा रही है ये कुछ इसमें से चुन चुन के। और ये बतख बैठी है यहाँ पे, दो तीन तरह की बतख है, सफ़ेद भी है और जैसी है। और ये है एक जिराफ जो पिंजरे में बंद कर रखा है इसको। और ये बतख बैठी है, सब सो रही है। हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें। और आपको हम और कुछ दिखाने वाले हैं अभी यहाँ पे। ये है एक शुतुरमुर्ग घूम रही है यहाँ पे। हाँ देखो
शुतुरमुर्ग है यहाँ पे, एक एक ही है और नहीं है। खरगोश भी है यहाँ पे, देखो ब्लैक कलर के हैं, सफ़ेद भी हैं, खरगोश हैं काफ़ी। धूप में घूम रहे हैं ये, और इधर भी खरगोश रखे हुए हैं इसके अंदर। ये इनका घर है खरगोशों का, इसके अंदर रखे जाते हैं ये। खरगोश वगैरह बैठे हैं यहाँ पे, खरगोश घास खा रहे हैं, देखो खरगोश घास खा रहे हैं, देखो खरगोश कितने अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं, जिनको हम सुसे भी बोल सकते हैं, खरगोश बोलते हैं। ये आ गया एक खरगोश, कितना प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा नन्ना सा, और ये अभी घास खा रहे हैं, यहाँ निकले हुए हैं बाहर, ये धूप भी सेक लेंगे और घास भी खा लेंगे, सही लग रहे हैं ना। और इसके अंदर हैं कबूतर वगैरह हैं बहुत सारे, कबूतर वगैरह रखे हुए हैं, देखो कबूतर हैं, सफ़ेद हैं या फिर ब्लैक है, कई तरह के कबूतर हैं यहाँ पे, कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। ये मुर्गा है, देखो मुर्गा आया हुआ है, और वो नॉर्मल कबूतर है एक, वो घूम रहा है वहाँ पे, और ये है मुर्गा, ये देखो मुर्गा, मुर्गा है ना ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुर्गा। और एक मुर्गा ये इधर बैठा है, ये मुर्गी है और ये मुर्गा है, और ये खरगोश देखो घूम रहे हैं, और एक ये खरगोश बैठा है बिल्कुल पास में ही है मेरे, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है खरगोश, देखो देखो खरगोश, अच्छा लगा ना। से हमारे एक तो शाम का पहाड़ है,